से जहां जूनियर डॉक्टर्स ने बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, जूनियर डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल करेंगे। 22 अक्टूबर से पूरे राज्य के डॉक्टर हड़ताल करेंगे, ये अल्टीमेटम दिया। देखिए 22 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है और कह दिया है जूनियर डॉक्टर्स ने कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई, सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, तो ये लोग एक बार फिर हड़ताल करेंगे। और 22 अक्टूबर वह तारीख जब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो 22 अक्टूबर से पूरे पश्चिम बंगाल, जी हां, पूरे पश्चिम बंगाल के सरकारी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर चले जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि इनके हड़ताल पर जाने के बाद मुश्किल में स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा, क्योंकि एक बार फिर वही हालात बनेंगे जो हालात हमने देखे थे। और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां कस्टम विभाग का एक्शन देखने को मिला है। और ये एक्शन, जहां सोने की बरामदगी हुई है, 2 किलो 2 ग्राम सोना कस्टम विभाग ने मुंबई से बरामद किया है। और कहा यह जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई है कस्टम विभाग की तरफ से। 2 किलो 2 ग्राम सोना बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच कार्रवाई हुई है। वही 42.14 लाख रुपए के महंगे फोन भी जब्त किए गए हैं। कस्टम विभाग का एक्शन मुंबई में देखने को मिला। आज एयरपोर्ट से 2 किलो 4 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए बताई जा रही। तो वहीं 42.14 लाख रुपए के महंगे फोन भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी कामयाबी कस्टम विभाग को मिली है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन तमाम चीजों को बरामद किया है। तो सोना के साथ साथ महंगे फोन भी कस्टम विभाग ने जब्त किए हैं। सोने की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है, जबकि बताया जा रहा है कि फोन की कीमत 42.14 लाख रुपए। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां सीसीटीवी में चोर कैद हो गया। जी हां, बाइक चोरी करते हुए वीडियो में चोर नजर आया। 3 बदमाशों ने चंद सेकंड में ही बाइक चोरी कर ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए कैसे ये चोर बाइक लेकर भाग गए। ये तस्वीरें गाजियाबाद की है और ये चोरी की पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 3 बदमाश, देखिए 3 बदमाश मौके पर पहुंचते हैं और बाइक किस तरह से चंद सेकंड में चोरी करके यहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये पूरी तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है और अब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाजियाबाद में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, चंद सेकंड में बाइक चोरी करके यहां से फरार हो गए हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद की और चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और इसके बाद चोर यहां से बाइक लेकर फरार हो गए और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस अब इसी सीसीटीवी के जरिए इन चोरों को तलाश रही है, इनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। और बात बहराइच की करते हैं, जहां हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने घटना से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माण को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। ऐसे घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें रामगोपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बुलडोजर तैयार, दंगाइयों पर होगा प्रहार। बहराइच के गुनहगार अब हो जाओ तैयार। यूपी में अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति अब नजीर बन चुकी है। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अपराध करेंगे और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधियों पर एक्शन भी हो रहा है और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। बहराइच में जिन लोगों ने दंगे किए, कानून को अपने हाथ में लिया और बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग की, अब वो खौफ में है। ये डर है प्रशासन का। बहराइच में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है।
हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद है। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ मकान जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिन मकानों को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान है जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। बहराइच हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनके अवैध निर्माण पर भी पुलिस की नजर है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित कई आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सूबे में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से चाहे अपराधी हो या फिर दंगाई, उनका हिसाब ऑन स्पॉट होता है। अब बहराइच इस बात का गवाह बन रहा है कि गलती करोगे तो यही भरना पड़ेगा। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों पर हो रहा एक्शन इसी बात का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर एक तरफ वक्फ की मनमानी को रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल बनाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल के बयान से सियासत गर्मा गई है। हमारे टीम ने, रिपब्लिक भारत की टीम ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दावों की रियलिटी चेक की। क्या निकला इन दावों में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सैतालीस संपत्तियां तो ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कोई कार्यालय बन चुके हैं। वक्फ का सवाल, दिल्ली टू भोपाल बवाल। बदरुद्दीन का बयान मच गया घमासान। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने संसद से लेकर एयरपोर्ट तक को वक्फ की जमीन पर बनने का दावा किया तो हर तरफ बवाल मच गया। हर राज्य में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई सरकारी संपत्तियां वक्फ की जमीन पर बनी है। इसका जवाब तलाशने के लिए आर भारत की टीम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंची, लोगों और अधिकारियों से बातचीत, जानकारी जुटाई तो पता चला कि भोपाल में पुलिस मुख्यालय से लेकर नगर निगम दफ्तर तक पर वक्फ अपना दावा कर रहा है। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय है और वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये जो है कब्रिस्तान की जमीन पर बना हुआ है और इस पर वक्फ का दावा है। हालांकि ऐसी न सिर्फ पुलिस मुख्यालय बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम, इसके अलावा कई सरकारी अस्पताल और कई ऐसी इमारतें जिसमें वक्फ का दावा है, जिसके की कोर्ट में मामले लंबित चल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 47 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जिस पर वक्फ का दावा है, तो सरकार का दावा कुछ और है जिस पर कोर्ट में केस लंबित है। तो मध्य प्रदेश में 15,002 वक्फ स्टेट्स हैं और लगभग 47 संपत्तियां तो ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कोई कार्यालय बन चुके हैं और वो उनके उनकी वैधानिकता के लिए कि लीगली रूप से वो कौन सही है, वक्फ बोर्ड सही है या वो कार्यालय जो संचालित हो रहा है वह सही है, इसके लिए बरसों से कोर्ट में उनके प्रकरण लंबी थे। तो जब हम एक तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं जहाँ न्यायालय को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है तो न्यायालय से जो भी निर्णय होगा वो निश्चित रूप से सर्वमान्य होगा, सबके लिए अच्छा होगा। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले वक्फ बोर्ड ने भोपाल के ऐशबाग थाने को जमीन किराए पर दी थी। 2021 में पुलिस अफसरों ने उनके साथ बकायदा कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन आज तक किराया नहीं मिला। जो PHQ है वो 1970 से वक्फ रिकॉर्डों में दर्ज है और 1997 से यहाँ पर एक प्रकरण लंबित है जो हाई कोर्ट में वर्तमान में लंबित है। निचली कोर्ट से जो है वो बोर्ड वक्फ बोर्ड जीता है और हाई कोर्ट में पुलिस विभाग ने उसमें अपील की है और अपील के तहत उनको स्थगन मिला है। यह 3.5 एकड़ जगह है जो 14